एसटी कर्मचारियों का विलीनीकरण को लेकर पूरे राज्य में आंदोलन जारी है, लेकिन उन्हें अभी भी न्याय नहीं मिला है, जिससे तिलमिलाए एसटी कर्मचारी आंदोलनकारियों ने मुंबई के सिल्वर ओक स्थित शरद पवार इनके निवास स्थान में घुसकर सुप्रिया सुले इन पर चप्पल फेंकी और गाली गलौज की, जिसकी भनक लगते ही पूरे राज्य में राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से आंदोलनकारियों का निषेध किया जा रहा है। इसी क्रम में नागपुर राष्ट्रवादी कांग्रेस शहर की ओर से बर्डी स्थित गांधी पुतले के पास आंदोलनकारियों का निषेध किया गया। पेश है हमारे संवाददाता संजय मीरे, इनकी ये ग्राउंड रिपोर्ट, आइए देखते हैं। आए दिन अपनी मांगों को लेकर राज्य के कर्मचारी आंदोलन करते नजर आते हैं। इसी क्रम में महाराष्ट्र के एसटी कर्मचारियों ने विलीनीकरण को लेकर पिछले कई महीनों से आजाद मैदान पर आंदोलन कर रहे हैं। अधिवक्ता सदावर्ते, गोपीचंद पडलकर, सदाभाऊ खोत जैसे नेताओं के नेतृत्व में महाविकास अघाड़ी का निषेध करते हुए एसटी कर्मचारी जमकर आंदोलन कर रहे हैं। हाल ही में हाईकोर्ट ने सभी आंदोलनकारियों पर लगे केसेस को पीछे लेने की बात भी कही है, तो वहीं परिवहन मंत्री ने एसटी कर्मचारियों को जल्द से जल्द काम पर आने की बात भी कही है। आंदोलन की वजह से एसटी में सफर करने वाले यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बावजूद इसके आंदोलनकारी अपनी जिद पर अड़िंग है। हद तो तब हुई जब आंदोलनकारी मुंबई के सिल्वर ओक इस निवास स्थान में घुसकर शरद पवार के घर में हमला करने पहुंचे। उस समय घर में शरद पवार, उनकी पत्नी और सुप्रिया सुले की छोटी बेटी थी। हमले की खबर मिलते ही घटनास्थल पर सुप्रिया सुले पहुंची। हमलावरों ने सुप्रिया को घेर लिया, तो वहीं कुछ हमलावरों ने सुप्रिया सुले पर चप्पल फेंकी और गाली गलौज की। उस समय सुप्रिया सुले सबको शांत रहकर बातचीत करने को कहा, लेकिन हमलावर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। सुप्रिया सुले बार बार हमलावरों को समझाती रही, लेकिन हमलावर समझ से परे थे। कुछ हमलावरों ने पत्थरबाजी भी की। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और हमलावरों पर एफआईआर दर्ज की है। हमले की जानकारी मिलते ही राज्य में खलबली मची। देखते ही देखते हमलावरों की खबर जंगल की आग की तरह फैली। घटना की जानकारी मिलते ही राज्य के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने हमलावरों का निषेध किया। प्रकार के एसटी के कामगार ये जो आंदोलन बार बार कर रहे हैं, विलीनीकरण का मुद्दा जो उठा रहे, आखिरकार महाविकास आघाड़ी की सरकार ध्यान क्यों नहीं दे रही, उनको न्याय क्यों नहीं दे रहा? वो सारा प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, विरोधाभास है। ये वो जो पार्टी सारा प्राइवेट करने जा रही, वही पार्टी अभी बोलती है कि विलीनीकरण करो, यानी ये विरोधाभास जनता के समझ में आ गया है। आप तो अनिल अहिरकर, जिन्होंने भी ये बात कही है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से ये जो आज जो निषेध जो किया जा रहा है वो एकदम सही है, और जो कायराना हमला हुआ है उसके ऊपर में सरकार उन आंदोलनकारी को गिरफ्तार करे, उनसे और जल्द से जल्द कड़क कार्रवाई हो, ऐसी मांग राष्ट्रवादी कांग्रेस के ये तमाम पदाधिकारी कर रहे हैं। एसटी कर्मचारियों का विलीनीकरण को लेकर पूरे राज्य में आंदोलन जारी है, लेकिन उन्हें अभी भी न्याय नहीं मिला है, जिससे तिलमिलाए एसटी कर्मचारी आंदोलनकारियों ने मुंबई के सिल्वर ओक स्थित शरद पवार इनके निवास स्थान में घुसकर सुप्रिया सुले इन पर चप्पल फेंकी और गाली गलौज की, जिसकी भनक लगते ही पूरे राज्य में राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से आंदोलनकारियों का निषेध किया जा रहा है। इसी क्रम में नागपुर राष्ट्रवादी कांग्रेस शहर की ओर से बर्डी स्थित गांधी पुतले के पास आंदोलनकारियों का निषेध किया। पेश हमारे संवाददाता संजय मीरे, इनकी ये ग्राउंड रिपोर्ट, आइए देखते हैं। जब इस घटना के बारे में संवाददाता ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष दुनेश्वर पेठे से बातचीत की, तो दुनेश्वर पेठे ने बीसीएन समक्ष जानकारी दी। इस समय में बीसीएन की टीम महात्मा गांधी के पुतले के सामने में बर्डी में खड़ी है, जहाँ पे राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इस समय में शहर दुनेश्वर पेठे हमारे साथ। बी टीम ने जो हमला किया, ये हमला आज महाराष्ट्र के और देश पातड़ी पे किसी भी प्रकार का ये सभी निंदनीय है। जिस प्रकार से जो हमला हुआ, ऐसा कभी महाराष्ट्र के परंपरा को, संस्कृति को शोभा दिया नहीं है। हम आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी वहाँ पे हम निषेध करने यहाँ पे बैठे हैं। प्रोटेस्ट है ये पूरे देश भर में हो रहा है कि नागपुर में हो रहा है? नागपुर में हो रहा है, नागपुर के पूरे सारे प्रभागों में भी आने वाले समय में होगा। एक जो हुआ है, विरोधियों ने जो हमला किया है, क्या कहना चाहोगे, किस प्रकार का उन्हें शासन होना चाहिए आपको लगता है, सरकार से क्या मांग कर रहे हो आप? यही है कि जिस प्रकार से पवार साहब के ऊपर जो हमला हुआ है, ये हमले के जो भी मुख्य सूत्रधार है, इनको त्वरित यानी जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी उनको गिरफ्तार करके उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। रोक में जो हमला हुआ है, ऐसे जो आंदोलनकारी है उनके ऊपर में कार्रवाई होना चाहिए, और इस प्रकार के हमले नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुप्रिया सुले, शरद पवार और उनकी, शरद पवार जी की पत्नी और एक सुप्रिया सुले, इनकी छोटी बच्ची घर में थी, और जिस प्रकार से ये कायराना हमला हुआ उसका निषेध राष्ट्रवादी नागपुर शहर पार्टी की ओर से किया गया है। अब देखना ये होगा कि सरकार इसके ऊपर में क्या स्टैंड लेती है, क्या आंदोलनकारियों के ऊपर में कोई गुनाह होता है या नहीं, एक देखने वाली बात होगी। नागपुर के वैरायटी चौक से कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ संजय।
संजय मीरा, बीसीएन न्यूज नागपुर।